पंजाब से डरकर मोदी वापस नहीं आए हैं। मोदी अगर वापस नहीं आते तो जान लीजिए क्या होता। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस मोदी के इन एसपीजी कमांडोज को देखिए। अगर प्रधानमंत्री को कुछ भी होता तो आंखों पर काला चश्मा, काली जैकेट और चीते की जैसी नजर वाले ये एसपीजी के जवान क्या से क्या कर जाते, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। एसपीजी वो तूफान है जो किसी भी सुनामी से कम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को एक भी खरोच आती तो ये जवान पीएम मोदी के दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा देते। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी कर लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से पंगा कभी मत लेना। एसपीजी जवानों को दुनिया के सबसे खतरनाक सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है। देश में सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही इन जवानों के पास होती है। खतरे का अंदेशा होने पर इन्हें किसी से गोली चलाने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है और ना ही इन्हें गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। इन एसपीजी जवानों के पास जो भी सामान आपको दिख रहा है, इनकी अपनी एक खासियत है। एसपीजी जवानों के शरीर पर दिखने वाले इन सभी आइटमों का अपना अपना काम होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी फोर्स खास मौकों पर ही सूट में दिखाई देती है। ये FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो कि एक फुली ऑटोमेटिक गन है। इसके साथ ही इन कमांडोज के पास ग्लॉक 17 नाम के एक पिस्टल भी होती है। ये कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं और साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग्स और वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इन एसपीजी कमांडो के जूते भी इस तरह के बने होते हैं कि किसी भी जमीन पर फिसलते नहीं। हाथ में खास तरह के दस्ताने लगे होते हैं जो कमांडो को चोट लगने से बचाते हैं। एसपीजी के कमांडो ये जो काला चश्मा पहनते हैं, ये भी बहुत खास होता है। लड़ाई के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से ये बचाता है इन्हें। मतलब कि अगर गोला बारूद से हमला भी होता है तो ये जवान खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक सभी एसपीजी के जवान ही होते हैं। इनको चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की भी मनाही होती है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद 1985 में एसपीजी बनाई गई। केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी जवान अपने कैरियर में केवल एक बार 5 साल के लिए एसपीजी में जा सकता है। एसपीजी के जवान और अफसरों पर किसी भी मीडिया हाउस से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती है। ये कमांडोज इतने खतरनाक और जाबाज होते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि किसी से भी पंगा लो, लेकिन जहां एसपीजी जवान तैनात हो वहां कुछ गलत हो जाए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री को जब भी कहीं जाना होता है तो ये परछाई की तरह ये कमांडोज साथ में होते हैं। बिना किसी की इजाजत के गोली भी चला सकते हैं। इनकी उंगली हमेशा गन के ट्रिगर पर होती है। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब से प्रधानमंत्री मोदी डरकर भाग गए, वो ये जान ले कि अगर पीएम मोदी वापस नहीं जाते तो क्या से क्या हो सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खतरे का अंदाजा शायद लगा चुके थे। उनको पता था कि प्रदर्शनकारियों की एक छोटी से छोटी गलती क्या कुछ करा सकती है। अगर पीएम मोदी को खरोच भी आ जाती तो ये एसपीजी के जवान प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुनते और फिर क्या होता, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने वापस लौटकर शायद ना जाने कितने लोगों की जान बचा ली है। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।